हाँ जी एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। राइट, सो तकरीबन सभी पर्सन आ चुके हैं तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ मैं आपको क्लैरिटी कराने वाला हूँ कि जिस बिजनेस का पार्ट आप बन चुके हो या बनने वाले, वो बिजनेस क्या है और उसकी पावर क्या है, क्योंकि अभी आपके माइंड के अंदर ना काफी क्वेश्चन होंगे और कंफ्यूजन चल रही होगी। सो मैं पूरी क्लियर क्लैरिटी आपको करवा के जाऊंगा, जो भी आपके माइंड के अंदर अभी कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग में काफी है ना क्वेश्चन होते हैं हमारे, मेरे भी थे। माइंड के अंदर क्या होता है स्टार्टिंग में, हमें लगता है कि यार कोई मेंबर मेकिंग स्कीम ना हो, राइट, कोई पैसे पुसे लगाने वाला काम ना हो या कोई प्रोडक्ट सेलिंग कंसेप्ट ना हो। तो दोस्तों, माइंड फ्री होके बैठे, यहाँ ना तो कोई मेंबर मेकिंग स्कीम है और ना ही कोई बंदे लगाने वाला काम है ना कि कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, और ना ही आपकी हमें कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो माइंड फ्री होके यहाँ इस बिजनेस में आप बैठे, क्योंकि कहते हैं ना माइंड और पैराशूट तभी काम करता है जब खुला हो, अगर क्लोज हो बंद हो तो वो काम नहीं करता। सो फिजिकली तो आप यहाँ बैठे हो, मेंटली भी आपको यहीं बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बॉडी आपकी यहाँ बैठी है और दिमाग कहीं और है, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। क्लियर, तो स्टार्टिंग करते हैं। मेरा नाम दोस्तों इंद्रजीत सिंह, और बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। इस बिजनेस से अटैच हुए तकरीबन 4.5 साल का समय मुझे इस बिजनेस में हो चुका है, और एज ए स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की। आप में से बहुत से फ्रेंड स्टूडेंट होंगे, या कोई पर्सन जॉब कर रहा होगा, राइट, या कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो भी स्टडी कर रहा है, 12th वगैरह कर रहा होगा, है ना। अपनी अगर मैं बात करूं, मैंने 12th के साथ स्टार्ट किया था, और इस बिजनेस को देखने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। इस बिजनेस के अंदर बाय चॉइस नहीं आया, बाय चांस इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और इस बिजनेस में मेरे सीनियर है। तो पार्ट टाइम के लिए दोस्तों इस बिजनेस में आया था कि एक्स्ट्रा कुछ 4-5 हजार है ना स्टडी के साथ मिले तो बेस्ट होगा, लाइफ थोड़ा एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ। तो यहाँ आया, बिजनेस देखा, स्टार्टिंग में काफी क्वेश्चन थे जो आपको मैं बता ही रहा हूँ कि आपके भी क्वेश्चन क्लियर होंगे। मेरे माइंड में स्टार्टिंग में ये था कि यार कोई बंदे लगाने वाला काम ना हो या कोई प्रोडक्ट सेलिंग कंसेप्ट ना हो। तो यहाँ मैं कुछ पर्सन से यहाँ मिला जो मेरे से एडवांस थे इस बिजनेस में 2-3-4 साल। तो उनकी लाइफ जब मैंने देखी तो मुझे क्लैरिटी मिली कि नहीं, प्रोडक्ट बेच के ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं बन सकता, बंदे लगा के ऐसा लाइफ स्टाइल नहीं बन सकता। तो मुझे क्लैरिटी हुई कि बिजनेस क्या है, एक नेटवर्क क्रिएट करने का बिजनेस है। क्लियर, सो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के जरिए दोस्तों मैं आपको क्लैरिटी कराऊंगा कि इस बिजनेस की पावर क्या है और इस बिजनेस ने कैसे मुझे जीरो से हीरो बनाया। एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घर वाले खेती बाड़ी करते हैं। और एज की अगर मैं बात करूँ, जब इस बिजनेस में आया था बहुत छोटी एज में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ जो भी चीज आपको मैं बोलूंगा वो प्रैक्टिकली प्रूफ होगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी मैंने आपको बोल दिया, जो जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना उसका आप मेरे से प्रूफ मांग सकते हो, आपको प्रूफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी बोला जाएगा वो सच बोला जाएगा। क्लियर, सो दोस्तों नाम आप लोग जान ही चुके हो, है ना। एज की बात करूँ, अभी 23 ईयर मेरी एज है, और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, 12th मैंने की है, और 12th के साथ ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और एज ए मार्केटिंग प्लान अगर मैं बात करूँ, इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें दोस्तों, स्टार्टिंग मैंने इस बिजनेस की यहाँ से की थी, एक बाइक से मैंने स्टार्ट किया था। पहले अकेला था, फिर साथ में मेरे रियल ब्रदर मेरे साथ आए। अब मैंने ना स्टार्टिंग में एक बात बोली है, आपको ना बहुत से पर्सन मार्केट में मिलेंगे जो इस बिजनेस को लेके आपको नेगेटिव करेंगे, मुझे भी किया था। बहुत से लोग आपको बोलेंगे अरे भाई पागल बनाने वाला कहाँ फंस गया यार तू। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर पागल बनाने वाला काम होता कि सबसे पहले मैं अपने ब्रदर को बनाता। हाँ जी, जो इंसान आप मेरे साथ चेक कर रहे हो वो मेरे रियल ब्रदर है। अगर पागल बनाने का काम होता ना तो बाहर मार्केट के अंदर बहुत दुनिया है, मैं किसी और का पागल बनाता, अपनी फैमिली का नहीं, बट मैंने अपने रियल ब्रदर को सबसे पहले ज्वाइन कराया। और मेरे काफी रिलेटिव इस बिजनेस के अंदर आज अटैच है और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और अगर मैं आज बात करूँ दोस्तों, मेरी यहाँ से अकेले की लाइफ नहीं चेंज हुई, जो मेरे साथ पर्सन चले, जो मेरे रियल ब्रदर मेरे साथ चले, हमारी दोनों की यहाँ से लाइफ नहीं चेंज हुई, टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, एक छोटे से गांव से मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में बिल्कुल अकेला था, फिर दो पर्सन हुए, और जो साथ में इंसान आप चेक कर रहे हो, जो पर्सन खड़े हैं ना, ये सभी स्टार्टिंग में मुझे नेगेटिव करते, ये काम नहीं चलते भाई, कहाँ फंस गया यार। और जब पूछता था कि भाई क्यों नहीं चलते, रीजन कोई नहीं था इनके पास, बस चलते नहीं है, क्योंकि इनके माइंड के अंदर ना एक वर्ड अटका हुआ था। सबके माइंड में होता है, मेरी फैमिली के भी था, कंपनी वर्ड। लोग फॉरएवर से नेगेटिव नहीं होते, जहां कंपनी वर्ड लग जाता है ना वहां से नेगेटिव होते हैं। ये भी उस वर्ड से नेगेटिव थे, क्योंकि उनको पता था मैं किसी कंपनी का पार्ट हूँ। उनको ये था कि पहले बहुत सी कंपनी आई है, ये तो वो है ना पैसा पैसा लेती है, लूट के चली जाती है, तो
वो तो मुझे पता था ना कि फॉरएवर गैन को नहीं पता, तो मैंने अपने आप को प्रूव किया, मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की। जब इनकम होनी स्टार्ट हुई तो धीरे 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 अटैचमेंट होनी स्टार्ट हुई, इन्होंने भी मेरे साथ स्टार्ट किया। तो एक गांव से जो लोग मुझे पहले नेगेटिव करते थे, फिर वो पॉजिटिव होने स्टार्ट हुए क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। सो यहाँ से एक छोटी सी टीम बननी स्टार्ट हुई, नेटवर्क के साथ मैंने बिजनेस किया। एक गांव के अंदर एक पुराना घर था जहाँ बैठ के हम प्लानिंग वगैरह करते थे, तो वैसे हमने स्टार्ट किया था। और दोस्तों ये स्ट्रगल टाइम है, आप चेक कर सकते हो क्योंकि कई बार क्या होता है, अब मैं आपको अगर सिंपली बताऊंगा कि मैं यहाँ सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ और मेरी मंथली इनकम 1 लाख से प्लस रहती है, 1 से लेकर 1.5 लाख के समथिंग रहती है, तो काफी लोगों को लगेगा कि वाओ किस्मत बड़ी अच्छी है यार, इतनी कम एज के अंदर इतना पैसा, इतनी अच्छी लाइफ। पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ना बहुत से सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं बात करूँ, नाम बताऊँ, आप सभी जानते हो सचिन तेंदुलकर को, आप सभी जानते हो विराट कोहली को, आप सभी जानते हो अमिताभ बच्चन को, आप सभी जानते हो शाहरुख खान को, आप सभी जानते हो। लेकिन हर सक्सेसफुल पर्सन की ना एक फेलियर स्टोरी होती है, वो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग होंगे जो जानते हो। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उनका आज चेक कर रहे हैं, हम उनका बीता हुआ कल नहीं चेक करते कि वो बने कैसे, जबकि हमें चेक वो करना चाहिए कि वो सक्सेस हुए कैसे, सक्सेस होने के लिए उन्होंने काम क्या किया। हम वो काम करना चाहते हैं जो सक्सेस होके वो कर रहे हैं, क्लियर। सो यहां मैं आपको ना डीपली बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ना बहुत से फ्रेंड मेरे जैसे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था भाई, और स्टार्टिंग में यहाँ सीनियर्स को देख के मुझे भी कुछ समय के लिए लगा था कि शायद मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम है। बट कुछ लोग मुझे फिर अपने जैसे मिले, उसके बाद मेरा ट्रस्ट बना कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, मैंने करना स्टार्ट किया। सो वही फेथ मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में ये नहीं मैटर करेगा आपकी एज क्या है, हाँ 18 से प्लस होनी चाहिए, ये नहीं मैटर करेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये नहीं मैटर करेगा आप रिच फैमिली से हो, पुअर फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैटर करेगा कि आपके अंदर कामयाबी की आग कितनी। सो मेरे अंदर काफी थी, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये पिक्स बहुत टाइम पुरानी है, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पुरानी। अपनी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती थी कि मैं बिजनेस करूँ, तो मेरे पास पैसे वगैरह भी नहीं होते थे क्योंकि कोई इनकम वगैरह तो थी नहीं, मैं तो स्टूडेंट था, एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत बाइक में पेट्रोल डलवा के मीटिंग लगाने आते थे। आप लकी हो कि आप ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो, अभी तो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सिर्फ ऑफलाइन था, तो मीटिंग लगाने के लिए अपने घर से 40 किलोमीटर दूर आना पड़ता था, 40 आना 40 जाना, 80 किलोमीटर डेली का ट्रेवल करना पड़ता था। चैलेंजेस क्या होते थे, स्ट्रगल क्या थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे पेट्रोल डलवाने के लिए, बहुत बार पेट्रोल खत्म होता था, और वो लाइव पिक आप चेक कर सकते, एक बाइक पे 4 4 लोग हम लोग आते थे, एडजस्टमेंट करके पैसों की एक बाइक में पेट्रोल डलवा के 4 लोग एक बाइक से मीटिंग लगाने जाते थे। तो यहाँ से दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, शक्ल से भी पता चल ही रहा होगा कि कितनी पुरानी पिक है, आज से तकरीबन 4.5 साल पुरानी पिक है जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत ही बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल खत्म हो जाता है, क्लियर। तो ये फोटोज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि कुछ फ्रेंड मेरे जैसे इस मीटिंग में जरूर होंगे जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और उनको ये ना लगे कि शायद मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ कि यहाँ हर एक इंसान कामयाब है, बस जुनून होना चाहिए कामयाबी। क्या आपके अंदर जुनून है? हाँ जी, सभी के अंदर जुनून है, तभी आप इस बिजनेस में आए। तो यहाँ से स्टार्ट की, ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की, बहुत छोटी एज थी दोस्तों, 18.5 साल की एज में स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे ऑफलाइन वर्क किया। आज आप अपने किसी फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, सिंपली आप लिंक शेयर करके अपने सीनियर के साथ बात करवा सकते हो, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था एक पर्सन को बताने के लिए उसको लाइव मिलना पड़ता था, वो पर्सन 100 किलोमीटर दूर भी हो सकता था, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो उस टाइम पे मेरे लिए वो हार्ड वर्क था, मुश्किल था अपने घर से 150 किलोमीटर दूर जाना और पैसे का ना होना, मैंने ये चैलेंजेस फेस किए। आज आपको वो चैलेंज फेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज बिजनेस टोटली डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने रूम से अपने घर पे बैठ के 1 लाख रुपया भी महीने कमा सकते हो, क्योंकि मैं दोस्तों कमा रहा हूँ, जिस रूम में मैं बैठा हूँ मैं इस रूम में बैठ के 1 लाख से प्लस कमा रहा हूँ मंथली, क्लियर। सो अगर आप भी कमाना चाहते हो सो बने रहिए, नेक्स्ट आगे आपको मैं बता रहा हूँ। तो टीम बननी स्टार्ट हुई दोस्तों, अब काफी लोगों के ना माइंड के अंदर एक चीज आ रही होगी कि टीम बन रही है, अच्छा बंदे लगाने पड़े, मेंबर मेकिंग स्कीम है, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, काफी लोगों के माइंड में आ रहा है, अच्छा चेन बनानी पड़ेगी 2 के नीचे 2। अरे नहीं भाई, हम दो हमारे दो वाला काम नहीं है,
या आप पे डिपेंड करता है, एक पर्सन से करो, दो से करो, चार से करो, आठ से करो, दस से करो। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर लाइफ में बहुत सा पैसा कमाना चाहते हो, बड़े ध्यान से समझना, अगर लाइफ में बहुत सा पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपका नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा बिना नेटवर्क के इम्पॉसिबल है, आप नहीं कमा सकते। गूगल पे चेक करना, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन सर्च करना, वो अमीर क्यों है पूरी दुनिया के 10, क्योंकि उनका नेटवर्क है। जिसका जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको दोस्तों मैं क्लैरिटी करवा देता हूँ। हमारे घर पे एक मिल्कमैन आता है जी, जिसे हम पंजाबी में दोजी बोलते हैं, जिसे हम दूध लेते हैं, मिल्कमैन। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको नेटवर्क की पावर क्लियर कराऊंगा कि नेटवर्क की पावर क्या। अगर ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में कैसे और क्या करना चाहिए, कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। जो हमें लगता है ना कि अच्छा नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग, आप सुन रहे हो जिस वर्ड से आप नेगेटिव हो, लेकिन नेटवर्किंग के साथ ही दुनिया चलती है। तो नेटवर्क की पावर की है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिल्कमैन आपके घर पे आता है दूध लेके, उसके पास अपनी गाय भैंस खुद की होती है, घर की होती है, और चारा भी घर का होता है, उसके पास खेत अपने खुद के होते हैं। एक लीटर दूध आप कितने का लेते हो? 50 रुपए का कम से कम, 50 रुपीज, हाँ जी 50 रुपए का एक लीटर दूध आप लेते हो। उस मिल्कमैन को 50 रुपए के दूध से जानते हो कितना पैसा बचता है? गायें भी खुद की हैं, किसी से नहीं ले रहा है वो, चारा भी खुद का है। अगर वो 50 रुपए का दूध आपको बेच रहा है ना, अगर 30 रुपए मान लो दोस्तों उसका खर्चा भी होता है, तो 20 रुपए आराम से एक लीटर दूध से बचाता है, राइट? कितने? 20 रुपए एक लीटर दूध से बचाता है। दूसरी तरफ एक बड़ा ब्रांड आप चेक कर लो, वेर का या एक वीटा आता है, अमूल आता है, कोई भी ब्रांड लगा लो, आपको आप जानते हो वो ब्रांड एक लीटर दूध से कितना पैसा कमाते हैं? हाँ जी क्योंकि वो खुद, उनके पास तो गाय नहीं है, ना ही उनके पास खेत है, वो हमारे जैसे किसानों से ले रहे हैं नॉर्मली, हम जैसे लोगों से लेके आके बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वो एक लीटर दूध से 1 से लेके 2 रुपया बचाते हैं। कितना? 1 से लेके 2 रुपए का प्रॉफिट होता है उनको एक लीटर दूध में। और मिल्कमैन को कितना होता है? 20 रुपए का, 15 से 20 रुपए का प्रॉफिट। किससे ज्यादा हो रहा है मिल्कमैन को? कहां एक बंदा 1 लीटर से 1-2 रुपया बचा रहा है, और कहां सीधा ही 15-20 रुपए। अमीर किसको होना चाहिए? अमीर तो मिल्कमैन को होना चाहिए, क्योंकि 1 लीटर दूध से 15 से 20 रुपए बचा रहा है। लेकिन अमीर कौन है? बेर का। रीजन जानते हो क्या दोस्तों? नेटवर्क। क्योंकि दोजी का जो नेटवर्क है वो ज्यादा से ज्यादा एक शहर में होगा, 4-5 गांव में होगा, लेकिन बेरका का, अमूल का, राइट, जो आप देख रहे हो नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर। पूरी इंडिया में कितने लोग हैं? अब फॉर एग्जांपल कितनी पॉपुलेशन है जी? 130 से प्लस करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की है। उसमें से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर एक किसी भी ब्रांड का, बेरका लगा लो, अमूल लगा लो, अगर 1 लीटर दूध 30 करोड़ लोग भी यूज करते हैं, 30 करोड़ लोग 1 लीटर दूध यूज करते हैं, और वो 1 लीटर दूध से 2 रुपए बचाता है, तो 60 करोड़ रुपए का बिजनेस वो एक दिन में करता है। ये नेटवर्क की पावर होती है। अब काफी लोगों को ना ये लगता है कि यार, कहते हैं ना, एक एग्जांपल दी जाती है बड़ी अच्छी, कहते हैं अगर अपने सपने पूरे करने हैं ना तो अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अपना नेटवर्क बना लो, वरना किसी के नेटवर्क के नीचे काम करके ना उस मालिक के सपने पूरे कर दो जिसके आप नेटवर्क में होते। कहते हैं ना जॉब करनी है, नेटवर्किंग नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, जॉब करनी है। अरे जॉब भी तो नेटवर्किंग का ही पार्ट है। जेओबी, जॉब फुल फॉर्म जानते हो क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस। आपने किसी के बिजनेस को ज्वाइन कर रखा है भाई, वो मालिक काम नहीं करता, जिसके बिजनेस को आपने ज्वाइन किया वो फ्री है, उसने आप जैसे लोगों का नेटवर्क बनाया, वो नेटवर्क से पैसा कमा रहा है। उसके पास BMW भी होती है, मर्सिडीज भी होती है, अच्छा घर भी होता है, फॉर्म भी घूमता है, लेकिन हमारे जैसे लोग उसके लिए काम करते हैं क्योंकि हम नेटवर्किंग नहीं करना चाहते। बर्गर किंग जानते हो, KFC, मैकडोनल्ड, उन्होंने क्या किया यार? नेटवर्क तो क्रिएट किया अपना, नेटवर्क बिल्ड किया, नेटवर्क के जरिए वो पैसा कमा रहे हैं। वो फॉरेन के ब्रांड है, इंडिया में तो आते ही नहीं है, उनके जो मालिक है बैठे बिठाए पैसा जा रहा है, उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया। सो दोस्तों, इस बिजनेस में वही नेटवर्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी, आपकी एक इंटरव्यू सेशन होगा, आपके सीनियर्स को अगर लगेगा कि आप इस बिजनेस के लिए सही, तो आपकी सिलेक्शन हो। क्लियर? तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था अपने सिटी से दोस्तों, ट्रेनिंग्स देनी स्टार्ट की थी, और बहुत जीरो से स्टार्ट किया है। मैंने ऑफिस लिया इसका, उस टाइम पे 1200 रुपए रेंट था, 1200 रुपए। इस ऑफिस में रखने के लिए, चेयर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, एक भी कुर्सी नहीं, आप चेक कर सकते, एक ही कुर्सी बढ़िया सामने, वो भी पास वाली दुकान से लेते थे। ऐसे ही मैं अपनी टीम को वहां खड़ा करके मीटिंग देता,
तो ये जीरो से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हुई। इनकम की अगर मैं दोस्तों बात करूं, इस बिजनेस के फर्स्ट लेवल पे जो इनकम थी, आप में से बहुत से लोगों की आईडी लग चुकी होगी, रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, तो आपको पता होगा आईडी लगने पे 12 नंबर का एक आईडी नंबर हमें मिलता है, टॉप पे आप चेक कर सकते हो 9100585837815, ये मेरा आईडी नंबर है, FLP इंडिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इंदर जी सिंह मेरा नाम है, और कंपनी मेल करती है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न्ड अबाउट ₹130, कितना है जी 7130। फर्स्ट लेवल का चेक है दोस्तों, 6 महीने मैंने इस बिजनेस को अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम किया था। नेक्स्ट एक लेवल आता है जी सुपरवाइजर लेवल। जब सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, सुपरवाइजर लेवल का हाईएस्ट पे आउट कितना है जी 23,500, अकाउंट में ₹22,400। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां आपको इनकम बताई होगी 30, 35, 40 हजार, लेकिन कितनी आई थी जिस टाइम पे 52,000, अकाउंट में 49,000। अब एक चीज चेक करके देखो, मैंने 18.5 साल की एज में स्टार्ट किया था और 19.5 साल की एज में मैं इस इनकम पे पहुंच गया। अब आप चेक करो, आपके पास फॉरएवर नहीं है। 1 मिनट के लिए भूल जाए फॉरएवर को, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके पास ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा बिजनेस है बिना कुछ इन्वेस्ट किए, कौन सी ऐसी जॉब है जो आज से 1 साल के बाद आपको 50,000 पे लेके जाएगी? हाँ जी, है आपके पास कोई ऑप्शन? मेरे पास तो उस टाइम नहीं था, क्योंकि सेम क्वेश्चन मेरे सीनियर ने मुझे किया था, तो मेरे पास तो नहीं था। तो दोस्तों 1 साल के अंदर मैं यहाँ कितने पे पहुंच गया था, 50,000 महीने का मैंने इस बिजनेस से कमाना स्टार्ट कर दिया था, उस एज में जिस एज में लोग रिचार्ज के लिए ना पैसे अपनी फैमिली से मांगते हैं, मैंने घर पे देने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा तो कोई खर्चा है ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्टूडेंट था मैं, 10-15 हजार रख के घर पे दे देता था, घर वालों को ऐसा होता था कि पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि 40-30-40 हजार महीने का घर पे देना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों मैनेजर लेवल अचीव किया, 14 महीने में मैं यहाँ मैनेजर बना, ड्रीम लेवल मैंने अचीव किया, और इस फोटो में आप चेक कर सकते हो, सबसे कम एज अगर किसी की है तो वो इंसान मैं हूँ, आप चेक कर सकते हो, बाकी सभी आपको दिख रहा है ना, मेरी उस टाइम पे 19.5 साल एज थी जब मैंने यहाँ से मैनेजर लेवल अचीव किया था, और मैनेजर लेवल पे पे आउट आपको बताया होगा 60,000 के बाद नो लिमिट, कितनी इनकम आई जी 1,12,000, अकाउंट में 1,06,56,00 मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। अब इसी मीटिंग में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके माइंड में आ रहा होगा, अरे यार इतना पैसा पागल तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैंने सेम वर्ड बोला था, तो मुझे इस बिजनेस में लेके आया था ना, मैंने उसको बोला था कि भाई यार पागल बना रहे हैं, इतना पैसा कोई कहाँ कमाता है। इसका रीजन जानते हो क्या है? हमें क्यों नहीं लगता कि कोई इतना पैसा कमा सकता, क्योंकि हमारी जो संगत है ना, हमारा माइंडसेट ये बना रखा है कि हम बस 40-45-50 हजार ही कमा सकते, क्योंकि हमें सिखाई एक भी बात की है, पढ़ो लिखो जॉब करो, और जॉब से सिर्फ 45-50 हजार ही मिलता है, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि बिजनेस भी कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पर डे का भी कमा रहे हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, वेद का मूल करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है, तो हम तो वो भी झूठ बोल सकते हैं फिर कि नहीं भाई झूठ है ना। तो इतना पैसा आ कैसे रहा है नेटवर्क से, एक सिंपल तरीके से थोड़ा आपको क्लैरिटी करवाऊंगा कि कैसे इतना पैसा आ रहा है। उससे पहले मैं एक लेवल आपको बताता हूँ, अभी मैं इस बिजनेस में एज ए मार्केटिंग प्लान सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, तो सीनियर मैनेजर लेवल पे जो इनकम आप चेक कर सकते हैं, 1,55,000, अकाउंट में 1,47,000, 7,777 रुपये मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किए, और हाईएस्ट पे आउट इस बिजनेस से 1,80,000 पे गए, 1,80,000, और मैंने ना पे आउट के साथ कुछ पिक्स लगा रखी है, एक बार रिपीट में दोबारा चेक करना, क्योंकि कहते हैं ना पैसा लाइफ नहीं चेंज करता, टोटली चेंज करता, और पैसे के साथ साथ आपको फोटोज में भी चेंज नजर आएगा। क्लियर? तो ये स्टार्टिंग एएस लेवल पे, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल हुआ, हाँ जी फोटोज में चेंज आप चेक कर सकते हो, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि जब पैसा आता है ना तो हर पर्सन चेंज हो जाता है। क्लियर? उसके बाद मैनेजर, ये पिक थोड़ी दूर से है, और ये सीनियर मैनेजर लेवल पे जब मुझे पे आउट आया। क्लियर है जी? और आज एवरेज इनकम 1 लाख से प्लस रहती है। और नेक्स्ट एक इनकम आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब मैं मैनेजर बना था ना दोस्तों, उसके बाद अब तक का जो सबसे कम मेरा चेक है, सबसे कम इनकम है, वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। मैनेजर बनने के बाद अगर कोई कम चेक आया ना तो ये है, कितना है जी 70,000 रुपये, अकाउंट में आए हैं 68,000 रुपये। आप आए कब थे एक बार ये चेक कर लीजिए, मंथ जुलाई 2020 क्या था जी, 2020 के अंदर लॉकडाउन, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, और काफी लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन होगा
प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। अरे भाई अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो लॉकडाउन में पैसा ना आता, क्योंकि घर से बाहर निकलना आपके लिए भी मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था। घर से बाहर ही ना जाते तो प्रोडक्ट सेल कैसे होता। ये उनके लिए है जो सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। उस टाइम पे तो मैं घर पे पड़ा था बिल्कुल फ्री, मान लो 1% भी काम नहीं किया, पता ही नहीं था ऑनलाइन कैसे होता है। तो घर पे वेट कर रहा था कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं काम करूंगा। लेकिन मुझे उस महीने भी उस बिजनेस से 70,000 रुपए आए हैं। लॉकडाउन के अंदर भी 60-70 हजार मंथली आया मुझे, 70, 80, 85 ऐसे मुझे एवरेज आता था। जब लोगों को टेंशन थी ना घर कैसे चलेगा, मुझे 80,000 रुपया आ रहा था। क्लियर? तो उस बिजनेस की पावर आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। इतना पैसा क्यों आ रहा है जी, कैसे आ रहा है, थोड़ा उसकी क्लैरिटी आपको करवा देता हूँ शॉर्ट में। हम में से ना दोस्तों बहुत से लोग जॉब करते होंगे, हम 8 घंटे जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें 8,000 मिलते हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत, आप क्या करोगे? हाँ जी क्या करोगे आप? उसी जॉब में ओवर टाइम लगाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब ओवर टाइम लगता है इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। 8 की जगह 10 घंटे काम करोगे, मे बी आपको 10,000 मिलेंगे। 12 घंटे काम करोगे, 12,000। तो यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि जितना टाइम बढ़ेगा उतनी इनकम बढ़ेगी। टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है, आपने सुना होगा। क्लियर? कि जितना टाइम अपनी लाइफ में हम बढ़ाएंगे उतनी इनकम बढ़ेगी। बट ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना बढ़ा सकते हो? अकेले तो आप ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे काम कर लोगे 24 में से, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। एक लिमिट पे जाके इनकम रुक जाएगी। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे यहाँ से 1-1.5 लाख कैसे आता है। अब मेरी टीम में 200 से 250 लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा होंगे तो मान के चलो 250 लोग काम कर रहे हैं। अब काफी लोगों का ना क्वेश्चन था धंधे लगाने वाला काम। अब 250 लोग मेरी टीम में है, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं हूँ भाई कौन कौन है, कहाँ कहाँ से। ज्यादा से ज्यादा 50-60 लोगों को जानता हूँ, बाकी सबको तो मैं जानता ही नहीं। ये नेटवर्क की पावर है कि जिसको मैं नहीं भी जानता उससे भी मुझे पैसा आ रहा है। अब अंबानी है, रिलायंस कंपनी है, उसकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या अंबानी सबको जानता है? नहीं, लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं ना, उसको पैसा जा रहा है। तो ऐसे ही नेटवर्क है, कल को आपका नेटवर्क बनेगा, जिस पर्सन को आप नहीं भी जानते उससे भी पैसा आएगा। अब मुझे इतना पैसा क्यों आ रहा है, जो हम मेन बात कर रहे थे, 250 लोग मान लो मेरी टीम के अंदर है, आप 8 घंटे काम करते हो एक दिन में अगर जॉब करते हैं। मैं कहता हूँ जो मेरी टीम में ना 250 लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटे छोड़ दो, वो 4 घंटे काम करते हैं, या 4 भी छोड़ दो यार, वो 2 घंटे काम करते हैं अपने लिए। कितना? अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे तो करते ही होंगे पर डे का। अगर 250 लोग 2-2 घंटे काम करेंगे, मेरा कितना हो गया, 500 घंटे एक दिन का काम होता है, और प्लस 2 घंटे मैं करता हूँ, कितना हो गया 502। मैं कहता हूँ मैं 2 करता ही नहीं हूँ, 500 घंटे तो फिर भी हो रहा है, तभी इस बिजनेस से मेरी इनकम 1 से 1.5 लाख रहती है। क्योंकि नॉर्मल बंदा कितना करता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 14 15 16 उस पे फंसे हुए हैं। जितना वो शायद एक महीने में भी नहीं करता, उतना मैं 1-2 दिन में कर देता हूँ, तभी मेरी बिजनेस से इनकम जो है 1 से 1.5 लाख रुपए रहती है। क्लियर? क्योंकि मैंने टाइम को बढ़ाया। क्लैरिटी हो रही है जी? जहाँ आपने क्या करना है, नेटवर्क बिल्ड करना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ कुछ भी लगाना नहीं। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट बात करते हैं, फॉरएवर एक इंटरनेशनली ब्रांड, आपको पता होगा 165+ कंट्री के अंदर है। अब फॉरएवर में एक ब्रांड है हमारी टीम 564, जो बहुत ही मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप है, जो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा, जिसकी अगर मैं बात करूँ है ना अचीवमेंट्स की, तो आप ना गूगल पे जाके चेक कर सकते हो व्हाट इज द टीम 564। गूगल आपको बताएगा कि टीम फायर क्या है। यूट्यूब पे जाके सर्च करना टीम 564 अचीवमेंट्स, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट आएगी आप थक जाओगे वीडियो देखते देखते, लेकिन अचीवमेंट्स खत्म नहीं होंगे। हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, नंबर नंबर होता है दोस्तों उसका 64, क्योंकि हमारा ग्रुप है 64, वो एक पहचान है। सो मैं कुछ गाड़ियां आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये मेरी गाड़ी, जो आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले मैंने यहाँ से बाई की, उसका नंबर क्या है जी, 9064। जब मैंने दोस्तों स्टार्ट किया था ना, दो तरह के लोग मुझे मिले। फर्स्ट जिन्होंने बोला ये काम नहीं चलते, बंदे लगाने वाला काम है, पागल बनाने वाला काम है, तू देख तेरे से भी नहीं चलेगा, तू भी घर पे होगा। सेकंड जिन्होंने बोला कि भाई बिजनेस अच्छा हम भी करना चाहते हैं। अब जिन्होंने बोला था कि तू यार बेकार काम है, ये तो चलते नहीं है, उसमें से कुछ लोग अभी भी फ्री हैं, और कुछ लोग डब्बा उठा के जाते हैं सुबह फैक्ट्री वगैरह में, सुबह पैकिंग कराते हैं डब्बे की, दोपहर में खाली करते हैं, शाम को घर पे आते हैं, वो जॉब कर रहे हैं 8-10-12 हजार रुपये। और जिन लोगों ने डिसीजन बनाया फॉरएवर करने का, किसी ने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, कि यस राइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, दोस्तों आप चेक कर सकते हो, उनके सपने पूरे हो चुके हैं। सभी यंगस्टर हैं। एज कितनी है जी सभी की? 20 साल से प्लस है और 30 से कम है। सभी के पास 12, 14, 15, 18, 20 लाख रुपए की गाड़ी है। नंबर क्या है गाड़ियों के, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जूम करके देख लेना, सभी का 64 है।
क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट भी मीटिंग है तो शॉर्टली रखेंगे। और इस मीटिंग में काफी गर्ल्स भी होंगी, उनको लग रहा होगा कि यार लड़कों को तो दिखा रहे हैं, हमारा क्या बनेगा सर, हमें भी बताओ। आप चेक कर सकते हो ये लड़कियां 22 साल, 23 साल, 24 साल की एज है। और जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया है इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ले लेना, आप चेक कर लेना सच में ये गाड़ियां है भी या नहीं। काफी लोगों के माइंड में अभी भी होगा यार ऐसे ही दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल लेना, डेली की एक्टिविटी चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा इनके पास ये गाड़ियां हैं नहीं। तो ये 23-23 साल की एज में 12-12, 15-15 लाख रुपए की गाड़ियां यहाँ से बाई कर चुकी है। लग्जरी गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्मली i20, क्रेटा, वरना ये तो बाइक की तरह है, जानते हो कितनी, ये कोई 20, 30, 40, 50, 100 नहीं है, 1000 से प्लस ज्यादा है, 1000 से प्लस गाड़ियां हैं जिनका नंबर 64 है। क्लैरिटी हो रही है दोस्तों, चेक करो यार लेवल क्या है बिजनेस का, लेवल क्या है 64 ग्रुप का। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लग्जरी गाड़ियों की, लग्जरी समझते हो जिनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है, वो कितनी है। अब जो जिनके माइंड में थोड़ा सा चल रहा था ना कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बंदे लगाने पड़ेंगे, गाड़ी कौन सी है जी, मर्सिडीज, जर्मन का ब्रांड है ये गाड़ी, जर्मन से इंपोर्ट कराई गई है, चंडीगढ़ बहुत बड़ी सिटी है, किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जिस इंसान के पास है वो फॉरएवर करता है। 1 करोड़ रुपए कीमत है इस गाड़ी की। नंबर क्या है जी गाड़ी का, 00064, रेड मर्सिडीज, काफी लोगों का ड्रीम होगी। और इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ना आप उनसे ले सकते हो जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया इस मीटिंग का, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करना, वो आपको पता चल जाएगा सच में है या नहीं। नंबर क्या है जी गाड़ी का, 00064, ये मेरे सीनियर है जी, जसप्रीत सर, BMW गाड़ी, 00064, ओंकार सर, BMW गाड़ी, नंबर क्या, PBC 64। यहाँ आने से पहले जितने गाड़ी का मैं ड्रीम लेता था ना उतने का नंबर है इस गाड़ी का, PBC 64, 2.5-3 लाख रुपए का नंबर नंबर है गाड़ी, ये पावर है फॉरएवर। अब क्या लगता है जी, प्रोडक्ट बेच के, एलोवेरा बेच के मर्सिडीज मिलेगी, हाँ जी BMW आएगी। निकाल दीजिए यार दिमाग से कि प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बंदे लगाने पड़ेंगे, क्लियर अंडरस्टैंड करें। मार्केट के अंदर जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं ना, उनको सिर्फ क्या है, मार्केट में फॉरएवर की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है लोगों को। इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी बहुत से कामों की है यार, बट नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन मुझे है कि अगर मैं BMW की फ्रेंचाइजी ले लूँ ना तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कैसे, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो नॉलेज है, वो मुझे नहीं है। फॉरएवर की लोगों को इन्फॉर्मेशन है, अच्छा, फॉरएवर ये काम नहीं चलते, नॉलेज है ही नहीं, है क्या, कैसे काम करते हैं फॉरएवर में कुछ भी नहीं पता। जो आपको नेगेटिव करेंगे कि तो क्वेश्चन तो करना, आंसर ही नहीं होगा उनके पास, क्योंकि उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। क्लियर। रेंज रोवर बहुत से लोगों का ड्रीम होगी, जो पंजाब के टॉप के सिंगर है ना, टॉप के सिंगर, उनके पास भी ये सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, याद रखना, शायद ही कोई होगा जो पिछले 10-20 साल से काम कर रहा होगा इंडस्ट्री में, ये बड़े बड़े जिनको आप फॉलो करते हैं उनके पास सेकेंड हैंड गाड़ी है, लेकिन यहाँ 6-6 साल के अंदर उनके पास चेक कर सकते हो जो फॉरएवर कर रहे हैं कौन सी गाड़ियां। और यही नहीं, जो पर्सन मैंने आपको दिखाई है ना, फॉरएवर से इन गाड़ियों से पहले भी इन्होंने बाई की हुई है। फर्स्ट जो पर्सन है नवनीत सर, जो मर्सिडीज ब्लैक कलर की आप देख रहे हो ना, इनके पास क्रूज गाड़ी है 20 लाख रुपए की, जो मैनेजर बन के इन्होंने बाई की थी। और सेकेंड गुरिंदर सर, इनके पास वरना गाड़ी है, जासप्री सर, इनके पास भी वरना गाड़ी है, ओंकार सर, इनके पास XUV गाड़ी है, पहले भी इनके पास गाड़ियां हैं जो मैनेजर बन के इन्होंने ली थी। अभी जो पर्सन मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको 6-7 साल का समय से बिजनेस में हो चुका है। क्लियर। सो क्लैरिटी हुई दोस्तों, अभी तो नहीं है किसी के माइंड में, बंदे लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और लास्टली ना एक चीज और दिखाता हूँ, आप में से बहुत लोगों का ड्रीम होगा, कहते सर अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना तो जिंदगी सेट हो जाएगी। सुन लो भाई, गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी बुरा मन कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं खुद ही सुन सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार जो भी बोलूंगा प्रैक्टिकली प्रूव, भाई ये नहीं कि बोल दिया, अगर मैं ये बात आपको बोलूँ गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी हमारे साथ हैं, आपको क्या लगेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं सर, प्रूफ है, क्या बोल रहे हैं खुद सुनना। इसका पता किया तो FLP के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड वाह वाह, का कोई टैग ही नहीं है कहीं। फिर जी, मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं।
जिस तो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ FLP के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। हाँ जी, क्लैरिटी मिल रही है दोस्तों? बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ करे, काफी डाटा पड़ा है। तो आप चेक करो, जिसके 2 स्टार कंधे पे लगे हुए हैं ना, मंथली सैलरी ही 50,000 से प्लस होगी, और फिर भी क्या बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट में भी सोचना पड़ेगा 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए। लेकिन फॉरएवर ऐसा प्लेटफॉर्म है कि 1 साल में भी यहाँ से मैं ले सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस में दोस्तों पैसे की लिमिट नहीं होती। जॉब में 50,000 कमा रहे हैं तो 50 ही आएगा, 10% बढ़ेगा 1 साल के बाद। लेकिन यहाँ मैंने आपको इनकम दिखाई है ना, फर्स्ट मंथ 14,000, उसके अगले महीने 22,500, फिर 50,000, उसके बाद 50,000 से जो नेक्स्ट चेक था ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि 2-4-5 हज़ार बढ़ा, 50,000 से जो नेक्स्ट चेक मैनेजर लेवल का था ना, वो 96,000 रुपये का था मेरा, 96,000। बिजनेस के अंदर ग्रोथ ऐसे ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, समझ रहे हो? पता नहीं चलता कैसे बिजनेस बनता है। तो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें कुछ ही पर्सन चाहिए, सिलेक्टेड पर्सन, जिनकी हमने सिलेक्शन करनी है। जो पहले 12 लोग होंगे, 12 से 13 लोगों की हमने सिलेक्शन करनी है। इस मीटिंग में 22 लोग थे, बहुत से लोगों को शायद बता दिया गया है, वो मीटिंग लीव कर चुके हैं, है ना, बता दिया होगा कि जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे। तो हमने सिर्फ 12 से 13 लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है, जो हमारे पास स्लॉट्स पेंडिंग है। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड किया उनको बोलो कि हमारे रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हम आपकी हेल्प करेंगे बिजनेस बढ़ाने में। अपनी वाई क्लियर करें, बिजनेस क्यों करना है, हाउ की टेंशन मत लो, बिजनेस होगा कैसे उसके लिए हम बैठे। अभी आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा। ट्रेनिंग्स लगाएं 3 से 4 दिन का, जैसे आप सेशन लगाते हो आपको बैच मिलेगा, उसमें आपको क्लैरिटी होगी, उसमें आपको डीपली पता चलेगा। सो बाकी हम आपके साथ हैं, आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।